आज हम बनाने वाले हैं मुगलाई पराठा। पराठे के लिए हम आटा तैयार करते हैं। 2 कटोरी मैदा लिया है, 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, 2 चम्मच इसमें मोन के लिए बटर डालेंगे, 1 स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम अच्छे से आटा लगाएंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। रोटी के आटे से हमें पराठे के आटे को थोड़ा लूज रखना है, जिससे स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। 10 मिनट हम आटे को ढककर रख देंगे, जिससे आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, 1 ग्रीन चिल्ली बारीक कटा हुआ, आधा टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 1 टेबल स्पून लहसुन बारीक कटा हुआ। ये सब ज़्यादा पकाना नहीं है हमें। 10-15 सेकेंड पकने के बाद इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज हल्का सा तेल में सोते करने के बाद अब सारी सब्जियां डाल देनी है। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। गैस को हाई फ्लेम पर रखेंगे। सब्जियों को हमें पकाना नहीं है, थोड़ा सा क्रंची होने पर गैस बंद करना। सब्जियां हमारी हो चुकी है, 2 मिनट हमें पकाने के बाद इसको बंद कर देना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, ठंडा करने के लिए रख देते हैं। हमने जो सब्जियों का स्टफिंग बनाया था वो ठंडा हो चुका है। अब उसमें डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 कटोरी पनीर इसको ग्रेट कर लेंगे, 1 कटोरी बारीक कटा हुआ धनिया, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 उबले हुए आलू को मैश करके रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। सारे मसाले को मिक्स करके अब हमारा मसाला तैयार है। आटा हमारा 10-15 मिनट के लिए रखा था, जो अच्छे से सेट हो चुका है। 1 चम्मच इस पर ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ देंगे। एक बड़ा रोटी बेलकर उसके ऊपर हम स्टफिंग रखेंगे। इसके ऊपर हम चीज़ का स्लाइस भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा मसाला और डालेंगे। इसे चारों कोनों से हल्के हाथ से फोल्ड कर देना है। एक तवा गरम करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा ऊपर ऑयल डालेंगे, हमारा पराठा इसके ऊपर डालेंगे। गैस को हमें मीडियम ही रखना है, हल्के हाथ से इसको पलटना है। अब इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हम ऑयल लगाएंगे अच्छे से। हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे, जिससे ये फूलेगा। पराठा हमारा बनकर तैयार है। पराठे को मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। हमारा मुगलाई पराठा बनकर तैयार है। इसे हम ग्रीन चटनी, सॉस या फिर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं।